हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 10 मार्च 2020। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर विद स्टैटिक जी के हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी व्यूअर हैं उन सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली खेलिएगा पर थोड़ा अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आपको बहुत ज़्यादा होली नहीं खेलनी है। होली खेलिएगा, अपनी फैमिली में खेलिएगा, भीड़ बचिएगा। ओके, तो अब बात करेंगे टुडे डिस्कशन टॉपिक की, क्या क्या रहेंगे। तो टुडे डिस्कशन रहेंगे, मोटिवेशन कोट रहेगा, वन लाइनर न्यूज़ रहेंगी, डिटेल करंट न्यूज़ रहेंगी, स्पेशल नॉलेज में हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स, स्टेट में पश्चिम बंगाल को डिस्कस करेंगे, स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स रहेंगे। ओके, तो देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट क्या है। हमेशा सबसे अच्छे प्रयास करो, परिणाम अपने आप सबसे उत्तम होंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, अपना प्रयास इतना अच्छा करना है। तो जब आप प्रयास अच्छा करेंगे, जब आपको पता है कि आपने अपना 100% कंसिस्टेंसी दी है, तो आपका परिणाम निश्चित रूपेण उत्तम ही होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया हो। ये बहुत छोटी सी लाइन है, पर इस पर वर्क करें तो बहुत ज़्यादा आपका बेनिफिट हो जाएगा। देखते हैं आज की वन लाइनर न्यूज़ क्या क्या रहेंगी। अंतर्राष्ट्रीय से पहली न्यूज़ रहेगी, फर्स्ट न्यूज़ है हिंद महासागर आयोग के नव चयनित 5 पर्यवेक्षक देश कौन कौन से हैं। तो वो हैं भारत, माल्टा, चीन, यूरोपीय संघ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लॉ फ्रैंकोफनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएजी के प्रतिवेदन के अनुसार भारत में वर्ष 2014 से वर्ष 2016 तक पर्यावरण से संबंधित 40% अपराध किस राज्य में हुए हैं। तो ये हुए हैं राजस्थान सरकार में। ओके, राजस्थान राज्य में डेलॉयट संस्थान के एम्पावरमिंग वीमेन एंड गर्ल्स इन इंडिया प्रतिवेदन के अनुसार चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए वर्ष 2018 में भारत में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी गिरकर कितने फीसदी हो गई है। तो 26% हो गई है। अब जो वीमेन्स लोग बिजनेस में थी, जो भी इंडस्ट्रियल में थी, वो कम हो गई है, तो 26% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मार्च 2020 को जिला उद्यम समागम 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में किया गया था। तो मोहाली में किया गया था, जो कि पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने किस संस्थान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो ये शुभारंभ किया है भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति विशेष से रहेगा, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। तो वो है राजीव महर्षि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा शुरू किया गया 12 महीने का अभियान जो महिलाओं के क्रिकेट के प्रचार के लिए समर्पित है, तो वो क्या है। तो वो है 100% क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई में खेले गए फेड अप प्रतियोगिता में भारतीय संघ ने पहली बार प्ले ऑफ के लिए कौन से स्थान पर जीत हासिल करके इतिहास रचा है। तो द्वितीय स्थान पर, और पहले स्थान पर रहा है चीन। नेक्स्ट न्यूज है, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री की सहायता से राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक सिंह गहलोत करेंगे, उपाध्यक्ष इसके रहेंगे अरविंद मायाराम। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान की कैपिटल, तो आप सभी को पता होगी पिंक सिटी जयपुर। और अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वह कौन है, तो वो है कलराज मिश्र। अब इनमें राज आ रहा है और राजस्थान में भी राज आ रहा है, तो ऐसे करके आप कनेक्ट करके इसको लर्न कर सकते हैं। ओके सर, इसका रणथंभौर नेशनल पार्क जो है आपको यहीं पर मिलेंगे राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में स्थित राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की पश्चिमी क्षेत्र की पीठ में यात्रा करना पड़ने वाले वादियों और अन्य लोगों के बिना कार्रवाई का संचालन करने के लिए NGT की सुविधा के लिए गुजरात उच्च न्यायालय परिसर में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रणाली स्थापित की गई है। तो किस शहर में स्थापित की गई है, महाराष्ट्र के पुणे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अल्ताफ बुखारी का नया राजनीतिक पक्ष का नाम क्या है। तो उनकी पार्टी का नाम है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। ओके, तो अब जो भी न्यूज़ फॉर्म हुई है उनसे संबंधित सामान्य ज्ञान को देख लेते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कब अधिनियत हुआ था, तो 5 मई 2010 को। अगर प्रधान पीठ पूछ ली जाए तो दिल्ली है, क्षेत्रीय पीठ भोपाल है, कोलकाता, पुणे और चेन्नई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1982 में हुई थी मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। ओके,
हिंद महासागर आयोग के सदस्य कौन कौन हैं? मॉरिशस हैं, मेडागास्कर हैं, कोमोरोस हैं, फ्रांस और सेशेल्स हैं। नेक्स्ट जो है, तेलंगाना राज्य के लिए हर गांव और शहर में घरों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कृष्णा और गोदावरी नदियों से आपूर्ति के लिए शुरू किया गया अभियान कौन सा है? तो वो है भागीरथी अभियान। सरिस्का व्याघ्र अभयारण्य अभी हमने बताया अलवर जिला राजस्थान में। रणथम्भौर व्याघ्र अभयारण्य भी राजस्थान के राज्य के पूर्व भाग में करौली और सवाईमाधोपुर जिले में है। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 कैग के लिए प्रावधान निश्चित करता है। ओके, अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है कि आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। आप हमें टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और शेयर चैट यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डेली मोशन वेबसाइट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हर जगह आपको हमारा चैनल तैयारी बिगनर्स की के नाम से मिल जाएगा और वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी तरह तरह की। ओके, एंड आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट खबरी ऐप पर जाना है, वहाँ तैयारी बिगनर्स की सर्च करना है, फॉलो करना है, बेल आइकन पे प्रेस कर लेना है और वहाँ से ऑडियो रिवीजन 100% करना है। 3 से 4, 5 ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट्स का ऑडियो होता है, वहाँ से आपको और यहाँ वीडियो देखेंगे वहाँ ऑडियो सुनेंगे तो आपका बहुत 10 times बेटर लर्न भी हो जाएगा और रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन भूलेंगे नहीं। तो आप वहाँ पर भी आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं और वहाँ ऑडियो सुन भी सकते हैं। ओके, अब बात कर लेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की। जन औषधि दिवस तो हमने बता ही दिया था, 7 मार्च को मनाया गया। अब उसके बारे में क्या क्या बातें रही हैं वो देख लेते हैं। 7 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि योजनाओं की उपलब्धियों को बताने के लिए पूरे भारत में जनऔषधि दिवस मनाया जाता है। भारत में 6200 से अधिक प्रधानमंत्री जनऔषधि परायोजन केंद्र हैं। ये केंद्र 700 जिलों में फैले हुए हैं। दुनिया में सबसे बड़ी खुदरा फार्मा श्रृंखला है। ये केंद्र जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करते हैं जो बिना दवाई के हैं लेकिन समान रूप से सुरक्षित हैं। वे ब्रांडेड की तुलना में बहुत सस्ते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। 6200 से अधिक जनऔषधि परायोजन केंद्र बने हुए हैं और 700 जिलों में फैले हुए हैं। यस बैंक संकट, ये तो आप अगर न्यूज़ देखते हैं तो आपको सबसे हेडलाइन या सबसे टॉप पर न्यूज़ मिल रही है यस बैंक वाली। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 मार्च 2020 को यस बैंक पर 1 महीने की मोहलत दी है। RBI ने यह घोषणा की कि ग्राहक अपने यस बैंक के खाते से 1 महीने में केवल 50,000 रुपये निकाल सकते हैं। यस बैंक ऋण घाटे से निपटने के लिए धन जुटाने में असमर्थ था, इस वजह से भारतीय रिजर्व बैंक ने यस बैंक के खिलाफ कार्रवाई की है। अब ये जो बैंक है डूब गया है पूरी तरह से, इसका अधिग्रहण SBI बैंक करने वाला है। तो यस बैंक में, अब जैसे बैंक होता है तो उसमें कस्टमर्स भी होते हैं जिनके पैसे उसमें जमा होते हैं, कोई FD करता है, कोई बहुत सारे अमाउंट में वहाँ रुपए जमा करता है। तो इसने क्या किया, बैंक पूरी तरह डूब गई है, इन्होंने लोगों का पैसा लिया और जगह लगा दिया, बैंक को इम्प्रूवमेंट नहीं किया, जिस वजह से बैंक कंगाल हो चुकी है। तो अब फिर भी रिजर्व बैंक ने 5 मार्च 2020 तक मोहलत दे दी है कि जो ग्राहक हैं यस बैंक के वो 50,000 रुपये निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है उत्तर पूर्व उद्यमिता कोष। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय उद्यमिता विकास के लिए इस क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक उद्यम निधि प्रदान कर रहा है। उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड के सहयोग से डोनियर के मंत्रालय ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र से स्टार्टअप और सशक्त उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए 2017 में औपचारिक रूप से उत्तर पूर्वी वेंचर फंड की शुरुआत कर दी है। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी जो वेंचर फंड की शुरुआत की गई है वो क्यों की गई है, तो सशक्त उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए। विश्व रिपोर्ट में स्वतंत्रता, अमेरिका स्थित वॉचडॉग फ्रीडम हाउस द्वारा प्रकाशित बर्ड 2020 रिपोर्ट में भारत को स्वतंत्रता में 83वें स्थान पर रखा गया है। मतलब भारत में जो फ्रीडम मिली हुई है वो 83 प्लेस पर आई हुई है। तो ये इंडेक्स है एक कि जिसमें भारत का स्थान क्या है। कल CGL का पेपर था, अगर किसी ने भी अटेम्प्ट किया है तो आप देखेंगे 2 इंडेक्स क्वेश्चन आए हुए थे। उसमें एक था शांति में भारत का कौन सा स्थान है, विश्व शांति पर जो स्थान है भारत का वो कौन कितने पर है, और एक क्वेश्चन और था कोई, मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है। 2 क्वेश्चन आए हुए थे इंडेक्स, तो आप इन सबको इम्पॉर्टेंट समझिएगा, ये मत सोचिएगा ये कुछ ऐसे ही हैं। 2 क्वेश्चन CGL में आए हुए थे केवल इंडेक्स से
रिपोर्ट में भारत को स्वतंत्रता में 83वें स्थान पर रखा गया है, जो कि मुक्त लोकतंत्र के निचले पांच में तिमोर लेस्ते और सेनेगल के साथ लगभग आधी सदी के भारत के लिए वैश्विक राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता पर नज़र रखता है। इंटरनेट स्वतंत्रता के संबंध में भारत ने 55वां स्कोर किया, इसे आंशिक रूप से मुक्त के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो यहाँ इंटरनेट यूज़ करते हैं तो वहाँ 55वां इनको प्लेस मिला हुआ है, इसे इसके लिए इन्हें आंशिक रूप से मुक्त वर्गीकृत किया गया। मुक्त श्रेणी में फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग शीर्ष पांच देश हैं। ये टॉप फाइव देश हैं जो हर तरह से मुक्त है, मतलब कि फ्रीडम भी है यहाँ पर, इंटरनेट फ्रीडम भी है और नागरिक फ्रीडम भी है। नैनो इंडिया 2020, बेंगलुरु इंडिया नैनो 2020 के 11वें संस्करण का आयोजन 2 मार्च और 3 मार्च 2020 को किया गया था और ट्यूटोरियल 4 मार्च को ललित अशोक बेंगलुरु में आयोजित किए गए थे। ये कार्यक्रम कर्नाटक के आईटी विभाग वीटी और S&T द्वारा विजन ग्रुप के सहयोग से आयोजित किया गया था। ओके, बेंगलुरु इंडिया नैनो 2020 के 11वें संस्करण का आयोजन किसने किया था, कब हुआ था, 2 मार्च से 3 मार्च को हुआ था और इन ललित अशोक बेंगलुरु में इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है नैनो इंडिया 2020 कहाँ पर किया गया, तो ये 4 मार्च को ललित अशोक बेंगलुरु में आयोजित किया गया था तो और इसका संस्करण कौन सा था, एडिशन था 11वां। नेक्स्ट है डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस, भारत रेलवे की सबसे प्रतिष्ठित ट्रेनों में से एक आखिरकार एक प्रमुख फेसलिफ्ट के लिए तैयार है। महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे के बीच चलने वाली डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस गाड़ी संख्या इसकी है, पूछी जा सकती है। आप ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम में क्या ये आएगा, आने के लिए कुछ भी आ सकता है। तो ये गाड़ी संख्या है 12123 12124। ठीक है, डेक्कन का 121-23 ऐसे, 121-24 ऐसे करके याद रख लीजिए और याद रह जाएगी। भारतीय रेलवे की सबसे समृद्ध विरासत वाली प्रतिष्ठित ट्रेन है 90 साल पुरानी। इस ट्रेन का जर्मन डिज़ाइन लिंक हॉफमैन बुश डिब्बों के साथ उन्नयन करने का प्रस्ताव है। यह रेलवे द्वारा शुरू की गई पहली डीलक्स ट्रेन थी। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि पहली डीलक्स ट्रेन का नाम क्या था, तो डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस। इसकी गाड़ी संख्या कितनी है, तो 121-23 121-24। ठीक है, प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020, अब देख लेते हैं प्रज्ञान कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ था। तो प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन 4 से 5 मार्च 2020 को किया गया। ये कॉन्क्लेव 2 के भूमि युद्ध के बदलते परिदृश्य और सैन्य पर इसके प्रभाव के जटिल विषय पर विचार विमर्श के साथ संपन्न हुआ था। ओके, नेक्स्ट है स्वैप अनुपात। 4 मार्च 2020 को 8 राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों ने प्रस्तावित विलय के लिए स्वैप घोषणा की अनुपात की घोषणा की। स्वैप अनुपात के अनुसार ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्रत्येक 1000 इक्विटी शेयरों में के लिए पीएनबी के 1150 इक्विटी शेयरों का आदान प्रदान किया जाना है, जबकि पीएनबी 121 इक्विटी शेयरों को यूवीआई के प्रत्येक 1000 इक्विटी शेयरों के साथ स्वैप किया जाना है। सिंडिकेट बैंक के प्रत्येक 1000 इक्विटी शेयरों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में और 325 इक्विटी शेयरों के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। आंध्रा बैंक के समामेलन के लिए इक्विटी शेयर विनियमित अनुपात को मंजूरी दे दी है। अब जो 4 बड़ी बैंकों में विलय होना है, तो वो विलय की ये पूरी डिटेल है, तो इसको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। ओके, अब बात करेंगे स्पेशल नॉलेज की, तो इसमें देखेंगे कि न्यायिक प्रमुख कौन है। तो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में कौन है इस समय, शरद अरविंद बोबडे जी, और इससे पहले कौन थे वो आपको बताने हैं। ठीक है, और ये कौन से नंबर के, 47वें नंबर के। महान्यायवादी अभी कौन है वर्तमान में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल। महाअधिवक्ता मतलब कि सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो तुषार मेहता जी। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के कौन है, तो आदर्श कुमार गोयल जी। अभी हमने NGT के बारे में बताया भी था, ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, दिल्ली में है। मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है इस समय, सुनील अरोड़ा जी, ये 23वें नंबर के हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त जो चुनाव आयुक्त हैं वो अशोक लवासा और सुशील चंद्र जी हैं। उप चुनाव आयुक्त हैं चंद्रभूषण कुमार। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो वो हैं राजीव महर्षि जी, ये 13वें नंबर के हैं। महालेखा नियंत्रक जो हैं वो हैं सोमा राय बर्मन। ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि ये नवनियुक्त हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रख लेनी है।
अब स्टेट में डिस्कस करेंगे पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 को पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई। राजधानी कोलकाता है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसा हुआ है। ओके, दुर्गा पूजा वहाँ का मेन त्यौहार है या पर्व है। सबसे बड़ा शहर भी कोलकाता है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। राजकीय पक्षी बोर्नुल्लू है। राजकीय पशु भारती हाथी है। जिला 23 है। विधानमंडल एक सदनात्मक है। विधानसभा की 295 सीटें वहाँ पर मिलती हैं। लोकसभा की 42 सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें। भाषा अगर पूछ ली जाए तो बंगाली और अंग्रेजी वहाँ की मुख्य भाषा हो जाती है। पश्चिम बंगाल जो है भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। इसके पड़ोस में नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार है। ओके, प्रमुख नदियाँ अगर पूछ ली जाए तो वो हैं गंगा, भागीरथी, दामोदर, हुगली और महानंदा। जल्दापारा अभयारण्य यहाँ का मुख्य अभयारण्य है। प्रमुख त्यौहार दुर्गा पूजा, काली पूजा है। लोक नाट्य अगर पूछ लिया जाए तो पश्चिम बंगाल का लोक नाट्य है यात्रा। हवाई अड्डे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पूर्व नाम जो है दमदम है। प्रमुख फसलें अगर पूछ ली जाए तो गेहूँ, मक्का, जौ, पटसन, चना, मटर, ये सभी जो हैं प्रमुख फसलें हैं। प्रमुख पर्वत अगर पूछ लिए जाएँ तो वो हिमालय और शिवालिक पर्वत। प्रमुख शोध संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र कौन से हैं? तो राष्ट्रीय एटलस और विषयक मानचित्रण संगठन जो है प्रमुख जो अनुसंधान केंद्र है। बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। बिरला प्लेटेरियम है। सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। पर्यटन स्थल में विक्टोरिया मेमोरियल है। जूलॉजिकल गार्डन कालीघाट, क्राइगर हिल, शांति निकेतन, दक्षिणेश्वर एवं बेलूर मठ, हावड़ा ब्रिज, राष्ट्रीय पुस्तकालय, जैन मंदिर। अब जो नेशनल लाइब्रेरी की बात हो रही, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार आया हुआ है कि नेशनल लाइब्रेरी कहाँ है, तो ये कोलकाता में है। ओके, स्टैटिक जीके में फलों के शीर्ष उत्पादक राज्य। आम का फल सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कहीं पूछ लिया जाए तो मलिहाबाद में, लखनऊ के पास। केले का सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन सा राज्य करता है? तो महाराष्ट्र। अंगूर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं महाराष्ट्र। अमरूद का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है मध्य प्रदेश के अंदर। काजू का सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल में होता है। आंवले का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा आपको आंवले मिलेंगे, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। पपीते का जो उत्पादन है आंध्र प्रदेश करता है। नारियल का उत्पादन केरल करता है। अनार का उत्पादन महाराष्ट्र। संतरे का उत्पादन भी महाराष्ट्र करता है। सेब का जो उत्पादन है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश करता है। नाशपाती का उत्पादन सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश करता है। लीची सबसे ज़्यादा आपको बिहार में मिलेगी। तो ये स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो वो है अमेरिका। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी आशा पूर्णा देवी। चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसे होता है? तो उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार होता है। थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो अबटू या थायरॉयड ग्रंथि से स्रावित होता है। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? तो अडयार में। न्यूटन का प्रथम गति का नियम किसको परिभाषित कर देता है? तो बल को। कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ब्योमेश चंद्र बनर्जी। ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो कहाँ पर है? तो वो है अजमेर में। प्रयाग प्रशस्ति लेख को किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था। राज्य के सभी कार्यकारिणी निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा लिए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके जीएस के साथ एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर, शेयर चैट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डेली मिशन वेबसाइट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से सुनना भी है और ये करना भी है कि खबरी ऐप पर जाइए। अगर आपके मोबाइल में खबरी ऐप नहीं है तो इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पर तैयारी बिगनर्स की सर्च कीजिए और उसे फॉलो भी करें और बेल आइकन को प्रेस करके वहाँ से ऑडियो रिवीजन कीजिएगा रोज़ के करंट अफेयर्स का। ओके, और
आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिससे क्या होगा जो भी क्लासेस होती है उनकी PDF आपको मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। ओके, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए और मन में जुनून रखिए कि हासिल कर लेंगे मुकाम अपना। और आप सभी को ढेर सारी, एक बार फिर से ढेर सारी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।